हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में, यानी ब्लॉक्ड नसों के बारे में। ऐसी स्थिति में जिसमें आपके शरीर की नसों में कहीं कहीं खून का थक्का सा जम जाता है, जिस वजह से हमारा ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। यह तो हम सब जानते हैं कि शरीर की नसों से खून हर अंग तक पहुंचता है। अगर यही नसें अगर ब्लॉक हो जाएं तो यह हमारे लिए एक खतरा बन जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक रेमेडी बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप ब्लॉक्ड नसों से निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आज मैं आपको इसके कारण बताऊंगी कि यह क्यों होता है। अगर आपके घर में यह समस्या किसी को पहले से है तो आपको इसके होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यह हेरिडिटी होता है फ्रेंड्स। दूसरा रीज़न होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं या काम करते हैं तो हमारी नसें ब्लॉक होने लगती हैं, इसलिए नसों में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तीसरा रीज़न यह होता है शरीर में फैट सेल्स का ज़्यादा बनना, जिससे नसें ब्लॉक होने लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम नुस्खे को बनाने से, जिससे आपकी ब्लॉक्ड नसें खुल जाएंगी। आज मैं होम रेमेडी में आपको एक चूर्ण बताऊंगी जिससे आपकी ब्लॉक नसें खुल जाएंगी। सबसे पहले आपको लेना है 5 ग्राम दालचीनी, काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम, मगज लेना है 10 ग्राम, फिर लेना है 10 ग्राम मिश्री। याद रहे फ्रेंड्स, हमें इस तरीके की मिश्री लेना है। अखरोट की गिरी लेनी है 10 ग्राम और अलसी के बीजे लेने हैं 10 ग्राम। लास्ट में तेज पत्ता लेना है फ्रेंड्स 10 ग्राम। यह सभी चीज़ें आपको बंसारी की शॉप पर आसानी से मिल जाएंगी फ्रेंड्स। अब इन सभी चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है फ्रेंड्स। अब हमारा चूर्ण बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। रोजाना इस चूर्ण को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। इसे खाने के 1 घंटे तक कुछ ना खाएं फ्रेंड्स। आप इस चूर्ण का सेवन करने से आपके शरीर की बसारे बंद नसें खुल जाएंगी। यही नहीं, इसे हार्ट पेशेंट भी ले सकते हैं और वेरिकोस बीमारी वाले भी इस चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और राइट साइड में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।